आज हम चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th का हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस उसकी हम क्विक रिवीजन करेंगे और उसमें हम होल चैप्टर को कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द माइंड मैप। माइंड मैप की हेल्प से हमने ये सारा चैप्टर कवर करना है। चैप्टर का नाम जो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो एंड रिमेंबर वन थिंग, दिस सिलेबस इज कॉमन फॉर ऑल द बोर्ड्स, आइदर स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड। तो अब नेक्स्ट मंथ जो है सभी बच्चों के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो उससे पहले हमारा एक टारगेट है कि हम एक फास्ट या क्विक रिवीजन जो है सभी चैप्टर्स की जो है वो वन बाय वन करवा दें। तो अब हमने जो आज चैप्टर लिया है बेटे, आज का चैप्टर जो है हमारा वो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन, किस तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। दैट मीन्स देयर इज समथिंग स्पेशल, दैट्स व्हाई द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन जो है एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। एंड रिप्रोडक्शन इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वेयर बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, बोथ मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व, दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। वेयर एंड सेक्स ऑर्गन्स आर एसेंशियल फॉर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, वेयर एज इन केस ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन only single parent is involved and sex organs are not essential in case of the asexual reproduction। तो बेटे अब हम देखेंगे कि किस तरह से एक हम माइंड मैप के जरिए हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। एक माइंड मैप बनाया है और उस माइंड मैप के जरिए हमें इस पूरे चैप्टर को जो है वो कवर करना है। और उसमें देखो सबसे पहले हम देखेंगे बेटे रिप्रोडक्शन, अभी मैंने बताया एबिलिटी टू प्रोड्यूस या पर प्रोडक्शन आ गया बेटे। अब इसमें हम मेनली जो हमारा हम इस चैप्टर में हम इस माइंड मैप को जो ट्रेस करेंगे बेटे, इसमें हम थ्री लेवल्स को हम कवर करेंगे। फर्स्ट लेवल होगा, सेकंड लेवल होगा और थर्ड लेवल होगा। दैट मींस इन दिस चैप्टर वी कवर थ्री लेवल्स, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। रिप्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन, ठीक है। एबिलिटी टू प्रोड्यूस जिसमें हम रिप्रोड्यूस करते हैं, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन फॉर द टू टाइप्स की है, वन इज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब बेटे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हम दो तरह से हम दो तरह के ऑर्गेनिजम्स में पढ़ेंगे। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपकी दैट अकर्स इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स एंड द सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन केस ऑफ द प्लांट्स। सो दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट अकर्स इन केस ऑफ द प्लांट्स एंड हियर दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट अकर्स इन द ह्यूमन बींग्स। दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्दर इट इज ऑफ टू टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन one that is occur in case of the human beings and the second sexual reproduction that occurs in case of the plants। ab bete jo hamari sexual dusri hamari aati hai asexual reproduction। ab sexual reproduction mein bata diya aapko ki with both the parents are involved that type of reproduction is known as sexual reproduction and in case of sexual reproduction sex organs are essential and other type of reproduction the second type of reproduction is known as asexual reproduction। ab हम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटे सेक्सुअल, ए सेक्सुअल प्रोडक्शन आपको बता दिया था कि ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स। सेक्सुअल प्रोडक्शन अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन बींग्स के केस में। अब ह्यूमन बींग्स के केस में जो हम सेक्सुअल प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे बेटे, उसमें हमारे दो टाइप्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। वन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दैट मीन्स दीज आर टू टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम that occur in case of sexual reproduction that occurs specially in case of the human beings। ab sexual reproduction jo hamari humne kaha ki hamara ek hai male reproductive system aur dusra jo hai wo aapka female reproductive system, do systems hamare yahan par aa gaye। ab male reproductive system jo hai isme sabse major hamara part jo hai that is the sperm duct, how the formation of sperm duct, how the formation of sperms takes place in case of the मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ द स्पर्म डक्ट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स। उसके बाद मेन जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं वो स्पर्म्स कहां से रिलीज होते हैं बेटे, स्पर्म्स का जो रिलीज है दैट इज
from the testes, and the main male sex organ in case of the male reproductive system is the testes. तो जो sperm की release हो रही है, sperm जो release हो रहे हैं देखे, that is from the testes. जो release हो रहा है sperms का, that is with the help of the testes. Second, last is penis. Penis is also the important part of the male reproductive system. That means here male reproductive system में हमने three parts जो हमको cover किए. First क्या है, sperm duct. What is the role of the sperm duct? Next is how the formation of the sperm that is takes place in case of the male reproductive system. तो उसमें जो sperms की formation हो रही है, that is with the help of a testes. और testes जो है वो एक important male sex organ है male reproductive system का. और उसके बाद जो last आता है, that is the penis. उसके बाद what are the various parts of the sperm? Sperm जो है उसके main parts कौन से? वो this is the sperm की एक हम इस तरह से diagram बना लेते हैं. ठीक है, तो दिस इज द स्पर्म. अब मेन इसमें स्पर्म्स के पार्ट क्या क्या हैं बेटे? अब इसमें जो स्पर्म्स के मेन पार्ट हैं वो आपके हैं, ऊपर जो आएगा बेटे दैट इज योर हेड, ये हेड है. सेकंड नंबर पर जो आएगा दैट इज द मिडल पीस, ये मिडल पीस है, दिस इज द मिडल पीस. सेकेंड वन इज द मिडिल पीस, और जो लास्ट आएगा बेटे दैट इज टेल. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द स्पर्म. स्पर्म इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, वन इज हेड, सेकेंड वन इज द मिडिल पीस, एंड द लास्ट वन इज द टेल. दैट मीन्स दिस इज द डिफरेंशिएशन, और दीज आर द वेरियस मेन पार्ट्स ऑफ द स्पर्म, हेड, मिडिल पीस एंड द टेल. अब उसके बाद बेटे आता है मेन प्रोसेस हमारा फर्टिलाइजेशन. व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोसेस फर्टिलाइजेशन? Fertilization is the process where the fusion of the male and the female gametes, वहां पर जहां पर हमारा male और female gametes होते हैं वो fuse कर जाते हैं to form a zygote after the process of the fertilization. That process is known as fertilization, where the fusion of the male and the female gametes occur, and when both male and female gametes fuse, after that there is the formation of zygote. But zygote की जो formation होती है that is after the process of the fertilization. अब नेक्स्ट जो हमारा बेटे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स का, जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमारे मेन पार्ट्स आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं? पहले मैंने आपको बता दिया कि स्पर्म्स डक्ट है, उसके बाद स्पर्म्स कौन रिलीज करता है, ठीक है, वो टेस्टिस रिलीज करती है, फिर पेनिस आता है, उसके बाद पार्ट्स कौन कौन से स्पर्म्स के, हेड है, मिडल पीस है, टेल है. उसके बाद हम आए नेक्स्ट कंसेप्ट पर, दैट इज द फर्टिलाइजेशन. अभी मैंने आपको बता दिया कि जहां पर मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं, फ्यूज करने के बाद वो जो है वो मेन जो बनाते हैं बेटे, वो किस चीज को बनाते हैं? वो बनाते हैं जाइगोट को, जाइगोट. जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज कर जाएंगे, तो फ्यूज करने के बाद वहां पर जो फॉर्मेशन होगी बेटे, वो फॉर्मेशन होगी जाइगोट की आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन. यहां लिखा भी है ओवा दैट इज रिलीज फ्रॉम द ओवरीज एंड स्पर्म्स दीज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस. क्योंकि जो ओवा है इट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड वेयर एज स्पर्म जो है that is released from the testes, and testes is the male sex organ. तो ova from the ovaries fuses with sperm. जब ova से जो ovaries, ova जो है जो ovaries से release होगा, and after that it fuses with the sperm. अब sperm के साथ fuse करने के बाद वो किस चीज की formation करेगा? zygote की formation करेगा. ova release हो रहा है ovaries से, ठीक है, स्पर्म्स रिलीज हो रहे हैं टेस्टिस से, एंड व्हेन बोथ ऑफ देम फ्यूज विद ईच अदर आफ्टर दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. उसके बाद वहां पर जो फॉर्मेशन होगी जाइगोट की होगी, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. तो यहां पर बड़ी क्लियर शब्दों में बेटी पिक्चर क्लियर हो गई है कि ओवा जो है वो रिलीज हो रहा है ओवरी से, ठीक है, एंड व्हेन ओवा रिलीजेस फ्रॉम द ओवरी इट फ्यूजेस विद द स्पर्म, एंड स्पर्म इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस. And when both of them fuse, after that there is a formation of the zygote after the process of the fertilization. उसके बाद है implantation of embryo in uterus. ठीक है, अब सबसे बड़ा एक main concept है कि जो newly formed embryo है, what is the criteria for the nourishment in case of the newly formed developing offspring or the embryo. तो सबसे बड़ा main concept जो है बेटे, जो एक developing embryo है या न्यूली फॉर्म्ड ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, इट गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम द प्लेसेंटा. वो कहां से नरिशमेंट लेता है? इट गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम द प्लेसेंटा,
एंड प्लेसेंटा इज अ टेम्पररी ऑर्गन, ये परमानेंट ऑर्गन नहीं है, इट इज अ टेम्पररी ऑर्गन दैट इज मेड बाय द मदर एज वेल एज द डेवलपिंग एम्ब्रॉय और द डेवलपिंग ऑफस्प्रिंग. सो हियर द एम्ब्रॉय और द डेवलपिंग ऑफस्प्रिंग इट गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम द placenta and it is a temporary organ. Placenta is a temporary organ that is made by the mother as well as the developing embryo or the offspring, and after that it gets nourishment with the help of this placenta. And the last organ, implantation of embryo in uterus. तो ये तो हो गए बेटे हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स के पार्ट्स हो गए हैं, वो भी स्पेशली हमारे किस चीज के, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बार मैं आपको फिर गो थ्रू करवा देती हूँ. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे पहले हमने चीज पढ़ी बेटे वो हमने पढ़ी कि स्पर्म टेप. स्पर्म टेप के बाद हमने पढ़ा कि स्पर्म्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, दैट इज दैट मीन्स स्पर्म्स दे आर रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस एंड आफ्टर दैट देयर इज अ पेनिस. उसके बाद व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्पर्म. तो हमारे पास मेनली थ्री पार्ट्स है स्पर्म के, हेड है, मिडल पीस है और टेल है. सो दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द स्पर्म. उसके बाद फर्टिलाइजेशन, जब हमारा ओवा इट रिलीजेस फ्रॉम द ओवरी एंड इट फ्यूजेस विद द स्पर्म दैट इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस एंड व्हेन बोथ ऑफ देम फ्यूज विद ईच अदर आफ्टर दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जायगोट. वहां पर किस चीज की फॉर्मेशन होती है, जायगोट की फॉर्मेशन होती है. ये यहां लिखा भी है मैंने, जायगोट की फॉर्मेशन होती है. And after the process of the fertilization, उसके बाद implantation of uterus, implantation of embryo in uterus. How the embryo get nourishment, ठीक है, during the process of implantation. उसके बाद हम shift करते हैं बेटे female reproductive system पर. This is the female reproductive system. Female reproductive system में हमारा जो main part है that is ovaries. कौन सा है बेटे, ovaries. ओवरीज के बाद है ओविडक्ट. ओवरीज के बाद है ओविडक्ट. उसके बाद है ओवा. ओवा मींस एग. और उसके बाद बेटे आता है यूट्रस. सो दीज आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नंबर वन इज ओवरीज, सेकेंड वन ओविडक्ट, थर्ड वन इज ओवा एंड द फोर्थ वन इज यूट्रस. सो दीज आर द फोर मेन पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और ओवरीज जो थी वो रिलीज करती है ओवा को, और ओवा को रिलीज करने के बाद, ठीक है, जो स्पर्म रिलीज होता है टेस्टिस के साथ, उसके साथ वो फ्यूज कर जाते हैं एंड आफ्टर दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द जायगोट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन. तो बेटे ये हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. अब इसके बाद हम शिफ्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. अब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स डिस्कस कर लिया, जिसमें हमारे जो पार्ट्स है वो भी हमने वेरियस डिस्कस कर लिए. अब हम शिफ्ट करते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन सेम ह्यूमन बीइंग्स की तरह हमारे प्लांट्स में भी कैसे अकर करती है. दैट मींस देयर इज सम क्राइटेरिया, जस्ट एज इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स वैसे ही हमारा प्लांट्स में भी कोई ऐसा क्राइटेरिया होगा जिसकी हेल्प से सेक्सुअल प्रोडक्शन जो वो प्लांट्स में अकर करती है, क्योंकि प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, प्लांट्स की भी जनरेशन जो है वो आगे से आगे बढ़ती है. दैट इज ओनली विद द हेल्प ऑफ द सेक्सुअल प्रोडक्शन. एंड इन केस ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड हियर सेक्स ऑर्गन्स आर एसेंशियल इन केस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब बेटे ये सेक्सुअल प्रोडक्शन है हमारी, तो देखो सेक्सुअल प्रोडक्शन जो है एक तो हमारी अकर करेगी थ्रू फ्लावर्स. अगर हम फ्लावर्स के थ्रू अकर करते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन को, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमारा दैट इज फर्टिलाइजेशन, जो कि हमने ह्यूमन बीइंग्स के केस में भी डिस्कस किया. वैसे ही हमारा प्लांट्स के केस में भी अगर हम थ्रू फ्लावर्स के केस में देखते हैं, तो सेक्सुअल प्रोडक्शन जो है इट ओनली अकर्स विद द हेल्प ऑफ द फर्टिलाइजेशन. यहां पर भी फ्यूज करेंगे मेल और फीमेल गैमेट्स, क्योंकि हमारी सेक्सुअल प्रोडक्शन चाहे ह्यूमन बीइंग्स में है चाहे प्लांट्स में है, बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. सेम फर्टिलाइजेशन के केस में क्या होगा, बोथ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स फ्यूज विद ईच अदर एंड व्हेन दीज मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज विद ईच अदर आफ्टर दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रॉय. उस टाइम वहां पर किस चीज की फॉर्मेशन होती है बेटे, एम्ब्रॉय की फॉर्मेशन होती है व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज विद ईच अदर आफ्टर दैट देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रॉय. एम्ब्रॉय की फॉर्मेशन वहां पर हो जाती है. अब उसके बाद मेन कंसेप्ट आता है बेटे पॉलिनेशन. व्हाट डू मीन बाय द टर्म पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन्स, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन. द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन. पॉलिनेशन इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स. ये फर्दर टू टाइप्स की आपकी पॉलिनेशन जो है, ठीक है, पॉलिनेशन इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स.
One is the self pollination and second one is the cross pollination. So these are two types of the pollination that occurs in case of the pollination. One is self pollination and the second one is the cross pollination. तो इस तरह से बेटे दो टाइप्स के पॉलिनेशन जो है वो अकर करेगी। अब हम ये देखेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, इसमें भी ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा बट ऑफ द सेम फ्लावर, दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें भी सेम वैसे ही है कि हम ट्रांसफर कर रहे हैं या ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ किस चीज का, पॉलन ग्रेन्स का, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा बट ऑफ द सेम फ्लावर। जब सेम फ्लावर पर ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन्स का from anther to the stigma, that process is known as self pollination. But in case of the cross pollination, transfer of pollination, or sorry, not pollination, but transfer of pollen grains from anther to the stigma of the different flower or different plant, ठीक है, जहां पर हमारा another flower या different plant पर transfer होगा pollen grains का, that process is known as cross pollination. So this is the major difference between the cross pollination and the सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में भी ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा बट ऑफ द सेम फ्लावर, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन जो है उसमें भी ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा बट ऑफ द डिफरेंट फ्लावर। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द क्रॉस पॉलिनेशन एंड द सेल्फ पॉलिनेशन। सो हियर इट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन एंड इट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन। अब उसके बाद बेटे हम देखते हैं, उसके बाद मेन जो हमारा फर्स्ट आ गया हमारा थ्रू फ्लावर्स, सेकेंड आया हमारा थ्रू पॉलिनेशन और थर्ड जो आया बेटा हमारा दैट इज थ्रू सीड्स, थ्रू सीड्स के जरिए। तो हमारे तीन स्टेप्स हो गए सेक्सुअल प्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट्स में। पहला हमने देखा थ्रू फ्लावर्स, सेकेंड जो देखा दैट इज विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन, थर्ड जो आया हमारा दैट इज विद द हेल्प ऑफ सीड्स। अब सीड्स में हम कैसे देखेंगे बेटे, अब सीड्स का डिस्पर्सल कैसे होता है, दैट मीन्स सीड्स डिस्पर्सल जो होगा दैट इज बाय विंड, बाय वाटर और बाय एनिमल्स, इनकी हेल्प से। मतलब ये एक ऑल्टरनेट एजेंट की जरूरत पड़ती है, विद द हेल्प ऑफ ए ऑल्टरनेट एजेंट, दैट्स व्हाई देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, दैट इज बाय विंड, बाय वाटर एंड बाय एनिमल्स। सो दीज आर द वेरियस एजेंट्स विद द हेल्प ऑफ देयर इज अ सीड डिस्पर्सल दैट टेक्स प्लेस। नेक्स्ट इज कंटेन्स एम्ब्रॉय, ये एम्ब्रॉय को कंटेन कब करते हैं, कंटेन्स एम्ब्रॉय, कंटेन्स एम्ब्रॉय, ठीक है। एम्ब्रॉय तो आपको पता है बेटे जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे आफ्टर दैट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रॉय एंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, उसी के बाद जो है मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं और उसके बाद जो फॉर्मेशन होती है वो एम्ब्रॉय की फॉर्मेशन होती है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रॉय की फॉर्मेशन हो गई, उसके बाद ओव्यूल्स फ्रॉम द सीड्स, ठीक है, ओव्यूल जो होंगे वो सीड्स से निकल जाएंगे एंड आफ्टर दैट ओवरी फॉर्म्स फ्रूट, उसके बाद ओवरी जो होती है वो फ्रूट्स को बना देती है, ठीक है। तो इसमें जो मेन सीड्स का जो कंसेप्ट है बेटे एक सीड डिस्पर्सल का है जिसमें ऑल्टरनेट एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, बाय विंड है, बाय वाटर है, बाय एनिमल्स है। और दूसरा जो कंसेप्ट है एक तो ये एम्ब्रॉय को कंटेन करते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय, ओव्यूल्स फ्रॉम द सीड्स एंड दे ड्वेल और ओवरी इट फॉर्म्स द फ्रूट्स। तो यहां पर जो ओवरी होगी बेटे, ओवरी ओवरी जो होगी बेटे इट फॉर्म्स द फ्रूट्स। ओवरी किस चीज को बनाएगी, फ्रूट्स को बनाएगी, ठीक है। ओवरी इट फॉर्म्स फ्रूट्स, ओवरी किस चीज को बना रही है बेटे, फ्रूट्स को बना रही है। सो हियर इट इज द सीड एंड लास्ट इज द दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, और लास्ट में जो है आपका बेटे ये स्ट्रक्चर है फ्लावर का। अब फ्लावर जो है बेटे देखो दिस इज द रिस्पेक्टिकल और पेडिसल ऑन विच योर फ्लावर इज बेस्ड, जहां पर फ्लावर जो बेस्ड करता है। उसके बाद दीज आर द सेपल्स एंड द पेटल्स, सेपल्स दे आर ग्रीन इन कलर वेयर एज पेटल्स आर फुली कलर्ड। उसके बाद बेटे नेक्स्ट आते हैं स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, ऑल ऑफ देम मेक अ कार्पल, कार्पल के मेन थ्री पार्ट है जिनको क्लब करके कार्पल बनता है। तो कार्पल में क्या क्या चीज आती है बेटे, स्टिग्मा, दिस इज द स्टिग्मा, ये स्टिग्मा पार्ट है बेटे, इसकी लुक कुछ इस तरह से है, दिस इज द स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है आपका। उसके बाद स्टिग्मा किसके साथ बेस्ड कर रहा है, दिस इज द स्टाइल, ये स्टाइल है। एंड आफ्टर दैट नीचे अगर आप आएंगे बेटे तो दिस इज द ओवरी,
एंड दीज आर द ओव्यूल्स, सो दिस इज द ओवरी। ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं बेटे, ये तीनों चीजें मिलकर बनाती हैं कार्पल, ये बनाएंगी कार्पल को, ऑल ऑफ देम कंटेन कार्पल। ये कार्पल आ गया आपका बेटे, तो दिस इज द स्टिग्मा, ये आपका स्टाइल है। नेक्स्ट दिस इज द ओवरी एंड ऑल ऑफ देम कंटेन टू मेक अ कार्पल। ये जो चीज है बेटे, दीज आर द एंथर, दीज आर द एंथर, और एंथर किसके साथ कनेक्ट है, एंथर इज कनेक्टेड विद द फिलामेंट, दिस इज द फिलामेंट, एंथर इज कनेक्टेड विद द फिलामेंट एंड बोथ एंथर एंड फिलामेंट बोथ ऑफ देम मेक अ स्टेमन। दोनों मिलकर क्या चीज बनाते हैं, स्टेमन को बनाते हैं। जब एंथर और फिलामेंट इकट्ठे मिल जाते हैं तो मिलकर ये क्या बनाते हैं, स्टेमन को बनाते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। तो यहां पर हमने देख लिया बेटे कि जो स्टिग्मा, स्टाइल और आपकी ओवरी है, ऑल ऑफ देम मेक कार्पल, और जो आपके एंथर और फिलामेंट है दे मेक स्टेमन। एंड्रोशियम इज द फीमेल मेल पार्ट, वेयर एज गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट इन केस ऑफ द फ्लावर। यहां पर बेटे हमारी जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स में भी कंप्लीट होगी और इन केस ऑफ प्लांट्स में भी कंप्लीट हो गई है। अब हम शिफ्ट करते हैं ए सेक्सुअल प्रोडक्शन के ऊपर। अब मेन हमारा जो कंसेप्ट है वो ये है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ए सेक्सुअल प्रोडक्शन, इन ए सेक्सुअल प्रोडक्शन ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड देर इज नो नेसेसिटी ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स, दैट मीन सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट एसेंशियल इन केस ऑफ द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ए सेक्सुअल प्रोडक्शन में बेटे दो तीन चीजें हमारी मेन अकर करती है, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाउ द स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, वट इज द प्रोसेस ऑफ द फ्रेगमेंटेशन एंड वट इज द प्रोसेस ऑफ बडिंग, सो दीज आर इंक्लूड इन केस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स आर कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव, सॉरी स्पोर्स आर कवर्ड बाय हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, ये एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्पोर्स के बाहर, जिसकी हेल्प से ये कवर्ड हुए होते हैं एंड टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हार्ड कोट होती है जिसके अंदर ये होते हैं, और ये तब तक उस हार्ड कोट के अंदर रहते हैं जब तक ये अदर सबस्ट्रेटम के साथ अटैच नहीं कर जाते हैं, तब तक ये उस हार्ड कोट के अंदर ही रहते हैं। सो दिस इज द स्पोर्स कवर्ड बाय हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विदस्टैंड हराश कंडीशन। कॉमन एग्जाम्पल इसकी है फंगस, फंगस इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। अंडर फेवरेबल कंडीशन स्पोर्स जर्मिनेट, मतलब अंडर फेवरेबल कंडीशन पर जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट कर जाते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन में बेटे एक चीज बताएं कि जो स्पोर्स होते हैं दे आर कवर्ड बाय हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, एंड वो तब तक अपने आप को उस हार्ड कोट के अंदर रखते हैं जब तक वो किसी अदर सबस्ट्रेटम के साथ अटैच नहीं कर जाते हैं टू ग्रो अनदर प्लांट ग्रो करने के लिए, तब तक वो उस हार्ड प्रोटेक्टिव कोट के अंदर रहते हैं। और इसमें ये बताया कि अंडर फेवरेबल कंडीशंस पर जो स्पोर्स होते हैं उसकी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करती है, स्पोर्स जो होते हैं वो जर्मिनेट कर जाते हैं। दैट मींस दे नीड फेवरेबल कंडीशंस एंड आफ्टर द फेवरेबल कंडीशंस द स्पोर्स आर जर्मिनेट एंड द कॉमन एग्जांपल इज फंगस। नेक्स्ट इज बेटे फ्रेगमेंटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, दैट मींस ब्रेकिंग टू और मोर फ्रेगमेंट्स, दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। जब दो या दो से अधिक फ्रेगमेंट्स में हमारा प्लांट जो है वो डिवाइड कर जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन एंड द कॉमन एग्जांपल इज स्पायरोगायरा। कॉमन एग्जांपल जो है बेटे इसकी कौन सी है, स्पायरोगायरा की। जब दो या दो से अधिक में ये क्या कर जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं, दो या दो से अधिक फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर जाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन एंड द कॉमन एग्जांपल इज स्पायरोगायरा। कॉमन एग्जांपल कौन सी बेटे इसकी, स्पायरोगायरा की, स्पायरोगायरा। It is a common example of the fragmentation. Spirogyra is a common example of the fragmentation. उसके बाद थर्ड प्रोसेस जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज बडिंग। बडिंग मीन्स बल्ब लाइक जो प्रोजेक्शन है कम्स आउट ऑफ द सेल्फ, इसमें बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होगी। दैट मीन्स अगर हम एक तरफ से देखें तो बडिंग का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर दो या दो से अधिक इंडिविजुअल्स में वो क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है विद द हेल्प ऑफ ए बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस दैट कम्स आउट ऑफ द सेल्स एंड हियर द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ ए बड्स। बडिंग के केस में मतलब दो या दो से अधिक इंडिविजुअल जो होते हैं वो हमारे सेम प्लांट पर क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, एंड हियर इन केस ऑफ बडिंग रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ बड्स। बडिंग के केस में जो रिप्रोडक्शन होगी दैट इज विद द हेल्प ऑफ ए बड्स। कॉमन एग्जाम्पल इसमें हमारा आ जाता है बेटे ईस्ट है, ईस्ट इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बडिंग
and hydra. Hydra is again a common example of the budding. So these are the common examples of the budding. तो budding जो है इसमें मैं बता दिया आपको कि दो या दो से अधिक individual जो होते हैं जब same plants पर grow कर जाते हैं तो that process is known as budding. And budding जो है इसमें reproduction जो होती है that occurs with the help of the buds and the common examples are hydra. ठीक है, उसके बाद आपका yeast जो है these are the common examples of the budding. तो इस तरह से बेटे आप देखेंगे कि कितने short time में हमने with the help of a mind map reproduction का प्रोसेस या हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, किस तरह का एक क्राइटेरिया है ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो उसमें हमने एक माइंड मैप के जरिए उसको थ्री लेवल्स में हमने डिस्कस किया, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल. फर्स्ट लेवल पर जो हमने डिस्कस किया दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, सेकेंड लेवल पर जो हमने डिस्कस किया दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और थर्ड जो लेवल हमने डिस्कस किया वो हमने किया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमारी फर्दर थ्री टाइप्स की प्रोसेस के अंडर आकर करती है. पहला फ्रेगमेंटेशन का है, स्पोर फॉर्मेशन है और बडिंग है. तो इस तरह से बेटे आपने ये देखेंगे कि हमारा माइंड मैप के जरिए हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का चैप्टर जो है वो एकदम से खत्म हो गया. सो दिस इज द क्विक रीजन फॉर द चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. अगर वीडियो बेटे अगर पसंद आई हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें.